एंड दिस इज आशु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इरफान जुनेजो और एमएसके की कोलैब वीडियो इंडिपेंडेंस डे पे और इसका नाम है जुनेजो वर्सेस एमएसके पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। चलो पहले रिएक्ट करते हैं भाई, देखते हैं फिर। यहां ट्रॉफीज बहुत है, हेलो नमस्ते वेलकम और अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर एमएसके। टू फास्ट सब मुश्किल है। हेलो नमस्ते वेलकम, हमारा नाम है मोहम्मद सलीम खान और आप देख रहे हैं एमएसके ब्लॉग। हां जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ऐसे तो फिर मेरा नाम इरफान जुनेजो होगा और मैं कहूंगा सीन ऐसे शर रहे। अरे सलीम भाई कितना मजा आ रहा है यार। और आप फिट है? मुंबई में ठीक है सब? अंधेरी वेस्ट सब बराबर? हां सब बढ़िया है, सब सेट है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ गार्डन ईस्ट वेस्ट में क्या हालात है? एकदम झकास, मतलब बोले तो एकदम बिंदास है। अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, तुमने ये वीडियो क्यों बनाया, क्या सीन्स यार? सलीम भाई अभी जैसे 14 अगस्त गुजरा है ना, तो आप कोई फुल पाकिस्तानी चल रहे हैं, यहाँ से कट मारो तो जैसे मैं कराची में हूँ, मेरे पास R1 है, यहाँ पे तीन बाइक, आप मुंबई में, आपके पास है कुछ ऐसा बाइक्स वाइक्स है? नहीं यार कहाँ बाइक वाइक, हम लोग तो पैदल चल रहे हैं। बाइक क्या चीज़ है? अच्छा मतलब शाना बन रहा है, शाना बन रहा है। हमारे पास कराची का खाना है ब्रो। ब्रो मुंबई का वड़ा पाव वर्ल्ड फेमस, क्या बात कर रहे हैं? तुम लोगों के पास हैदराबादी बिरयानी है क्या? अरे बिरयानी का क्या करेंगे भैया, हमारे पास पूरा है। अरे चलो खाना पीना छोड़ो, हमारे पास मोहम्मद रफी साहब ब्रो, नुसरत फतेह, वाह भाई वाह, नुसरत फतेह, और हमारे पास लाहौर की एनर्जी। गोवा का सुकून के बारे में क्या है? सुकून की बात कर रहा है तो पूरा नॉर्थ पाकिस्तान ब्रो, तुम्हारे वाला नॉर्थ के बराबर में ही हमारा वाला नॉर्थ भी है। और ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे पास ये हमारे पास क्या, ये भी हमारा ही है, दीवार ही। वैसे तो मेरे पास वहाँ भी है, लेकिन सलीम भाई एक मुझे सीरियस बात बताओ यार, आप इंडिया से हो, हम हज़ारों सालों से एक ही रीजन में रहे, एक ही मौसम देखते हैं, रंग भी तकरीबन सेम ही है, जबान भी सेम ही है, तो हम लोगों को ये पड़ोसी मुल्क बोल के लड़वाते क्यों रहते हैं? ये बात तो आपने सही की, मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन जाने दो, पॉलिटिशियन लड़ते हैं उनको लड़ने दो, बट आम पब्लिक तो मस्त अपनी। बस भैया सारे पैसे इसी बात। और सलीम भाई एक आखिरी बात, हाँ बोलो भाई, कभी अगर इंडिया का वीज़ा लगा ना, वैसे चांस कम है लेकिन अगर लग गया तो एक एपिक कोलैब करेंगे, मार्केट में ड्रॉप करेंगे ऐसी बॉम्ब की तरह। अभी ये टीज़र है जाने भाई, तुम्हारे से पहले अगर मेरा वीज़ा लग गया ना तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तुरंत से पहले आ रहा हूँ कराची के बिरयानी का ब्लॉग बना। नॉट कमिंग स्लो एमएसके व्लॉग्स, कराची की बिरयानी, व्हाट इज कोलैब देख ले लाइक सभी पाकिस्तानी भाई भाई भाई, इंडिपेंडेंस डे दो तो अंदर ले लिया था। और क्या, थैंक यू भाई, आपको भी बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। जो भी लोग देख रहे हैं, ये मोहम्मद सलीम खान थे हमारे साथ इंडिया से, और इनका चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इनसे ज़्यादा बॉम ऑन कैमरा पर्सनैलिटी मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। एमएसके की वीडियो जब भी देखता हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी इंडियन यूट्यूबर की देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरा दोस्त भाई है, आपकी फील कर रहा हूँ घुमाने लेके जा रहा है, ऐसा लगता है कि मैं इस बंदे को बहुत पहले से जानता हूँ, तो इतना कंफर्टेबल ऑडियंस को कर देना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अभी मैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, ये देखना चाह रहा था मैं, जब से देखिए और आप खुद ही जज कर लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं या डिफरेंसेज हैं। जितने भी लोग इंडिया से देख रहे हैं आपको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, जितने को पाकिस्तान से देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, दिस इज योर बॉय, दिस इज योर बॉय, ये बात और हेलो नमस्ते सर, आपको मेरा बात, दिस इज योर बॉय इरफान जुनेजो और आप देख रहे हैं। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये कोलैबोरेशन हो या ना हो लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही सही काम कर रहे हो, आप जिस तरीके से पाकिस्तान को दिखा रहे हो तारीफ़ काबिल है। आपकी वीडियोस से पहले पाकिस्तान को लेकर हमारा जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल चुका है, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको मैं आपकी वीडियोस सजेस्ट करता हूँ और मैं करते रहता हूँ बिकॉज मुझे आपकी वीडियो सही में अच्छे लगते हैं, तो वो कहते हैं मुझसे कि पाकिस्तान ऐसा दिखता है। लिटरली हम लोग को जो पाकिस्तान का एक अलग रूप देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक बचा तो वही अभी, अच्छा हुआ एमएसके ने विराट कोहली का नाम नहीं लिया वरना भाई फंस जाता भाई। नहीं यार फकर जमान है तुम्हारे पास। अच्छा फकर भाई है यार, बोल रहे हो 200 मारे उसको, कहते हैं ना कि नए एकदम
इमर्जिंग प्लेयर है वो इस समय पाकिस्तान के, और भी कई सारे आ गए यार, बहुत सारे यार, मजा आई इसमें, अच्छी है टीम पाकिस्तान की, वीडियो में काफी मजा आई है जो उन्होंने लास्ट पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी मेरे को भाई, एमएसके ने जो बात कही वो मेरे दिल में मिटी कि जब हमने भी पहली बार इरफान जुनेजो को देखा था इस तरह के वीडियो शूट करते हुए तो हमें भी ये फीलिंग थी वाओ ये पाकिस्तान के, इरफान जुनेजो ने एक्चुअली वो चीज बोली थी, एमएसके ने ये कहा था कि जब हम आपकी वीडियो देखते हैं तो हमें ये चीज पता नहीं थी कि पाकिस्तान इतना भी अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं, मैं वो मैंने जब रेफर की थी ओके, मुझे लगा तुम कह रहे हो कि क्या कहते हैं वो जब मैं वो अपने दोस्त जैसा फील करा देते हैं उस पर, नहीं नहीं और वो इंडिया पाकिस्तान वाली बात, हाँ ये बात हम लोग बहुत टाइम से बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से कि क्या कहते हैं जैसे ये होता है ना कि यार पॉलिटिशियन क्या रखते हैं, मतलब हम लोग आपस में बात करें ना वो इम्पोर्टेंट है, अब पॉलिटिशियन ने क्या किया हमारे यहाँ क्या हुआ आपने क्या किया इस पर बहस करने बैठेंगे तो ये डिबेट कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, और सही भाई आजकल तो ऐसे कमेंट थोड़े कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा हम लोग भी ऑफ हो जाते हैं कि यार क्या मतलब हम लोग क्या रिप्लाई, हम लोग सोचते हैं कि अब आप क्योंकि फिर आपकी मीडिया ने कुछ दिखाया हमारी मीडिया ने कुछ दिखाया अब हम भी उस पर लड़ने लगे, सोर्सेज हम लोग के क्लियर नहीं है किसी के सामने खड़ा कर दूं जिसको तुम जानते भी नहीं हो तुमसे कहा जाए लड़ो तुम कहोगे भाई रीजन क्या है, सही बात वो वाली बात हो जाती है, तो इस टाइप की नेगेटिविटी को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश हम लोग करना चाह रहे हैं, बहुत कम यूट्यूबर्स इस बारे में बात भी करते हैं भाई, मतलब एक बार जिन्होंने ये मुद्दा उठाया ये क्वेश्चन पूछा काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पे हैं, मेरे पास उतने लोग नहीं है हमारे पास लेकिन वो तो इतने बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी जा सकती है, लोग समझेंगे ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो अच्छी बात है यार, अच्छी चीज उन्होंने की तो उन्होंने ये मैसेज दे करके हम लोग का भी काम आसान कर दिया, हम लोग का भी जो ऊपर के वो तो यार उसी का तो पैसा है लेकिन मजा है कमेंट नहीं बनता है कुछ, और उन्होंने एक और चीज़ अच्छी की जैसे कि जब वो शुरुआत में कंपेयर कर रहे थे तो कंपेयर ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे कि क्या कहते हैं तुम्हारे पास क्या है हमारे पास क्या है, वही दिखाने के लिए करते कि हम लोग कितने सिमिलर हैं, वही 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 सिमिलर कंपैरिजन ये दिखाने के लिए था कि यार देखो कितने सेम है, मतलब अगर ये हमारे पास है तो तुम्हारे पास भी तुम्हारे पास भी हम लोग अछूते नहीं है उस चीज़ से, तो वो चीज़ बहुत गजब लगी मेरे को, अच्छा आइडिया था कि कंपैरिजन उन लोग ने सब भाग जाएंगे पाकिस्तान यार ऐसा कुछ नहीं है, ये खाते नहीं है बॉल बहुत रहे लेकिन खाते पीते नहीं है ये, मतलब क्या कहते हैं भाई T24 पे बहुत थ्रिटी लग रही है इसे बंद कर दो, तो यही चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है एमएसके और इरफान जुनेजो ने, जल्दी लोग कोलैब करें इरफान जुनेजो जी और एमएसके वहाँ अभी दोनों की हम लोग तो आने की कोशिश करेंगे, मैं तो पक्का जाऊँगा यार मुझे बताऊँगा बहुत सारे लोगों से मिलने जाना है साथ ही चलेंगे एकदम, फिर हम लोग व्लॉग बनाएंगे और उसमें इरफान जुनेजो को हम लोग टैग करेंगे और फिर हम कहेंगे ये है आपका चैनल रिएक्शन, आप लोग से इंस्पायर हो गए हमने सही बात है, तो चलिए हम लोग का रिएक्शन यहीं तक था, थैंक यू, पीस आउट।